This video is what I'm wearing in Bali. People gonna ask me कि ओ ये कहाँ से लिया, ओ वो कहाँ से लिया, अरे ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया. तो मैं सब बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया है. तो राइट नाउ वेयरिंग दिस टॉप जो कि मैं इंडिया में नहीं पहन सकती, बट आई एम वेयरिंग हियर. इट्स सुपर क्यूट और विद शॉर्ट्स. दिस इज फुल OOTD. द स्लीपर्स, the shorts and the top. A quick update for this, the whole thing. मैंने ये सारी jewelries पहनी हुई हैं. मैंने अपनी rings उतार दी और मैंने ये rings पहनी है because obviously Bali is so colorful, तो मुझे ऐसे colorful चीज़ें चाहिए थी. And this is the chain from Urbanic जो कि बहुत सुंदर है. इसकी एक और chain है जो कि बतलाने में चुरा ली मेरी. और I have these glasses from Urbanic, this top is from Urbanic and this shorts from Forever 21. तुम्हें कैसे पता? तुमने बताया भाई. नहीं, ये वाले शॉर्ट्स मैंने खरीदे हैं कहाँ से? सरोजनी. And this slippers we bought from this Kim's. Lajpat Nagar. That's it. I guess और क्या दिखाना है? और कुछ भी नहीं है. Yeah. So this is the whole OOTD for my first look of Bali. My second outfit for the day because we are going for swing. So yes, I wanted to wear something like this. It's a long dress by the way and it's so pretty. मैंने ऑर्डर ही स्विंग के लिए करा था बिकॉज वी आर इन बाली. आई नो वी आर गोइंग टू बाली, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस ड्रेस एक महीने पहले. तो आई बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम अर्बैनिक या क्वीन. मैं ये ड्रेस लंबी थी पर मैंने उसको छोटी करवाई है एंड आई लव द कलर. वैसे भी रेड कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है. सो लेट्स गो. सो मैंने स्विंग भी कर लिया है जो कि आपको बाली व्लॉग में मिलेगा. और दिस इज़ माय अदर टॉप. बेसिकली मैंने सिर्फ टॉप बदला है, शॉर्ट्स वही है ब्लैक वाले. और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल. तो एक दिन में मैंने 3 बार कपड़े बदले. दिस इज़ माय थर्ड आउटफिट ऑफ द डे. सो दिस इज़ द आउटफिट टुडे आई एम वेयरिंग. देख सकते हो येलो स्लीपर्स, ये मैंने खरीदी है सरोजनी से. आई गेस मेरे को 1.5 साल हो चुके हैं तो मुझे याद भी नहीं है. मतलब ये 150 या 200 रुपये में ही खरीदी थी मैंने. विच इज़ सुपर क्यूट, नॉट दैट कम्फी बट सुपर क्यूट टू वर्क टू वेयर. एंड दिस ड्रेस आई फ्रॉम बॉट इट फ्रॉम माई बैंक. नई क्यूट ड्रेस, बहुत पसंद आया. और ये हैट तो आप लोगों को पता ही है, जब मैं गोवा गई थी तो मैंने गोवा से खरीदा था. ज्वेलरी मैंने कुछ नहीं पहना है, सेम रिंग्स है मेरी. और ये रिंग्स है H&M से. और ये बैंड मैंने इस ड्रेस से मैच नहीं पहना है. ये हमें जहाँ मैं आई हूँ वहाँ की एंट्री के लिए बैंड है. दैट्स इट. और द बैग, या द बैग फ्रॉम H&M, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है. सो लेट्स गो. दिस इज माई ब्रेकफास्ट आउटफिट बेसिकली. और मतलब नाइट सूट और नाइट ड्रेस वट एवर. एंड आई गॉट दिस फ्रॉम सरोजनी. 100 रुपये की ड्रेस बाली में. इट्स सुपर क्यूट एंड सुपर कम्फर्टेबल. दिस कॉटन और ड्रेस 100 रुपये की ड्रेस बाली में. This is our day 4. Yes, 4th. This is day 4. And this is my outfit. So आज हमारा बड़ा chillax और relaxing day है because आज हमने villa book करा है. तो आज हम chill कर रहे हैं. But मुझे बहुत सारी shopping भी करनी है तो उसके लिए मैंने ये कपड़े डाले हुए हैं. So this is my shirt. इसके अंदर ये आया हुआ है और ये shorts है. बिल्कुल बहुत ही Bali vibe है इसकी because इसमें बहुत सारे print है, बड़ा सुंदर सा है. और ये स्लीपर्स आपको पता है, दिस इज माई मोस्ट कम्फर्टेबल स्लीपर्स. आई बॉट इट इन दार्जिलिंग. सो ये दार्जिलिंग से मैंने खरीदे थे, कैलिंगपोंग से बेसिकली. और ये पूरा सेट जो है ये मैंने खरीदा है अर्बैनिक से. और मैंने ज्वेलरी कुछ नहीं पहनी है और मैंने आज से ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया बिकॉज आज है फन डे, चिल डे. एंड ऑल्सो हैव दीज चश्मा चोर, दीज ग्लासेस. These glasses from Urbanic. It's not mine. It's basically Bharti's. And I'm gonna order the same glasses for myself. And this is my OOTD. Let's go. So आज का दिन है floating breakfast. So मेरे पास ये बिकनी है from Urbanic. So I'm gonna wear this. This is from Urbanic, by the way. So आज है day 4 and this is my outfit. Actually आज हमने सिर्फ hotel shift करा है और अभी 4 बज चुके हैं. यही करते करते अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. So this is my outfit. This is for 100 rupees
फ्रॉम सरोजनी एंड देख सकते हो बहुत ही कम्फी और बहुत ही हल्की सी ड्रेस है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कुछ पहना भी है विदाउट ब्रा। आई लव दिस ड्रेस बेसिकली, बहुत बहुत समर के लिए इट्स अमेजिंग। थोड़ी सी लंबी है बट चलेगी। सो इट्स, आप ये मान लो कि मैंने इसको सिर्फ शिफ्टिंग के लिए पहन रखा है, ऑल दो आई एम गोना बी सुपर हॉट टुडे। लेट्स गो। अब आई हूँ मैं बीच पे फाइनली, दिस इज माय फिफ्थ डे, तो आज हम फाइनली बीच पे जा रहे हैं। दिस इज माय बीच वेयर आई एम वेयरिंग। तो ये टॉप ना मैंने खरीदा है यहीं से, बाली के स्ट्रीट मार्केट से मैंने खरीदा है, 900 कुछ रुपए का, 910 या 20 रुपए का, विच इज़ वेरी क्यूट, वेरी आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। एंड दिस इज़ फ्रॉम अर्बैनिक, एक्चुअली इसका अलग सेट है बट मैंने इसमें यूज़ करा क्योंकि मैच कर रहा है, और जो मैंने अंदर इसके पैंटी पहनी है दैट्स फ्रॉम H&M। सो लेट्स गो। सो टुडे इज़ अ लास्ट डे, और अब मैंने सोचा मैं कुछ कम्फर्टेबल पहन लूँ, और ये ड्रेस तो मैं वैसे भी स्पेशली मैंने बाली के लिए खरीदी थी, तो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। और आज की एक्सेसरी में हमारे पास ये वाले ग्लासेस हैं, दिस इज़ फ्रॉम अर्बैनिक, एंड हैव दिस ड्रेस, दिस इज़ फ्रॉम ऑल्सो अर्बैनिक, एंड द स्लीपर फ्रॉम किंग्स, और ये बैग तो आपको पता ही H&M से है, और दिस इज़ माई फुल कोट बिकॉज अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने थोड़ी सी, और हम लोग किसी बीच क्लब जाएंगे। सो बीच क्लब में आई हैव अ वेरी सेक्सी स्विमसूट है ब्राउन कलर में, सो वी गोना वेयर दैट। दिस इज़ इट फॉर द, सो दिस इज़ इट गाइज, आज हम जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी फ्लाइट है, और मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या गोवा में पहना है, जो मैंने नहीं पहना है जैसे कि ये वाली बिकनी मैंने नहीं दिखाई है बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिला वहाँ पे दिखाने का। तो आई बॉट दिस फ्रॉम अर्बैनिक, तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ, और आई वेयर दिस बिकनी ऑल्सो, दिस इज़ फ्रॉम अर्बैनिक। मोस्टली जो इतनी भी मैंने बिकनीज पहनी है वो सारी अर्बैनिक से है, अगर आपने मेरी स्टोरीज में देखा और मैंने वीडियो में नहीं डाला है तो फिर सारी बिकनीज अर्बैनिक से है। ओनली वन बिकनी जो कि मैंने पहनी ही नहीं वो H&M से थी, दैट्स इट। ओके, सो अब हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू क्लोथ्स लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। लव यू, बाई।